और केरल का भी जिक्र करते हैं। केरल में 6 अप्रैल से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसके परिणाम 2 मई को आएंगे। ऐसे में जानना जरूरी है कि कांग्रेस, सीपीआईएम और बीजेपी के पास कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो उन्हें वोट दिला सकते हैं। केरल के कोल्लम तट पर जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने समंदर में मछुआरों के साथ छलांग लगाई तो सवाल उठे कि इस चुनाव में कांग्रेस के हाथ केरल में वोटों वाले मोती लगेंगे या नहीं। कांग्रेस केरल में चुनावी जीत को लेकर बहुत उम्मीद पाले हुए है। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी खुद वायनाड से सांसद भी हैं। खुद राहुल गांधी भी इस चुनाव में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की उम्मीदों पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन फिर से पानी फेर देंगे, क्योंकि लेफ्ट गठबंधन को पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम चुनावों में बहुमत मिला है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पताका लहराने का रास्ता बहुत आसान होता नहीं दिख रहा है। स्थानीय निकाय चुनावों में वोट प्रतिशत, दिसंबर में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में एलडीएफ ने 40.2% वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन ने 37.9% वोट हासिल किए थे। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 15% वोट मिले हैं। देखा जाए तो भले ही कांग्रेस को निकाय चुनावों में बहुमत ना मिला हो, लेकिन वोट प्रतिशत ठीक ठाक मिला है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या केरल का पुराना वोटिंग ट्रेंड कांग्रेस की मदद करेगा? क्या राहुल गांधी के केरल से सांसद होने का कोई असर होगा? क्या कोरोना काल में मुख्यमंत्री की लोकप्रियता लेफ्ट के लिए फायदेमंद होगी? क्या बीजेपी का कोई बड़ा असर रहेगा? अगर हाँ तो वो नुकसान किसे पहुँचाएगा? शुक्रवार की शाम को चुनाव आयोग ने नेताओं के एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है, यानी चुनाव आयोग ने केरल समेत 5 विधानसभाओं के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। केरल में 6 अप्रैल के दिन वोटिंग होने जा रही है और 2 मई के दिन मतगणना होगी, जिसमें पता चलेगा कि केरल में किस पार्टी को बहुमत मिला। इसीलिए अब वोटों वाले नंबर हासिल करने की लड़ाई बहुत तेज होने वाली है। किसकी डिस्टिंक्शन आएगी, किसकी कंपार्टमेंट, कौन फेल होगा, कौन पास, सब सवालों के जवाब जनता देगी। लेकिन इससे पहले केरल के कुछ मुद्दों और वहां के धार्मिक गणित को देख लेते हैं। केरल में जाति समीकरण, केरल में हिंदू मतदाताओं की जनसंख्या 55% के करीब है, जबकि अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम और ईसाइयों की जनसंख्या करीब 45% है। लेकिन केरल के हिंदू और उत्तर भारत के हिंदुओं में अंतर है। केरल में हिंदुत्व कार्ड उस तरीके से काम नहीं करता जैसे देश के बाकी हिस्सों में कर गया है। केरल के हिंदू मतदाता सीपीआई, सीपीआईएम और कांग्रेस को वोट करते हैं। अगर बीजेपी ध्रुवीकरण करने में सफल भी हुई तब भी बीजेपी को 55% वोटों में से कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए बीजेपी को केरल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम और ईसाई वोटर्स की तरफ भी देखना पड़ेगा, जो बीजेपी को लेकर आमतौर पर अधिक सकारात्मक नहीं है। इसीलिए बीजेपी के लिए केरल चुनाव में जीत की डगर काफी ज्यादा मुश्किल है। पिछली बार साल 2016 में हुए चुनाव में भाजपा को 140 सीटों में से मात्र 1 सीट हाथ लगी थी। ऐसे में भाजपा का केरल में बहुमत लाना या सरकार में एक बड़ा योगदान देने लायक सीटें लाना भी मुश्किल लग रहा है। हालांकि इस बार कुछ ईसाई समूहों में केरल के मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या से चिंता देखी गई है, इसीलिए वो भाजपा की तरफ कुछ सकारात्मक भी हैं। इसके अलावा केरल के एक कैथोलिक चर्च ने तो लव जिहाद का मुद्दा उठाते हुए ये भी कहा था कि साजिशन ईसाई लड़कियों को इस्लामिक स्टेट के हाथों बेचा जा रहा है, उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा है। इसके अलावा बीती जनवरी महीने में ही केरल के कुछ पादरी प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले थे। इन कुछ कारणों से लग रहा है कि केरल में बीजेपी ईसाई मतदाताओं का सहारा ले सकती है। केरल में सबरीमाला का मुद्दा भी वोटर्स को प्रभावित कर सकता है। इसी को देखते हुए केरल की सीपीआईएम सरकार ने सीए कानून के साथ साथ सबरीमाला से जुड़े मुकदमों को भी वापस ले लिया है। साल 2018 में सबरीमाला के मुद्दे पर 5 बार केरल बंद किया गया था, कई जगहों पर हिंसा भी हुई थी। इस मामले में करीब 50,000 लोगों पर मुकदमे ठोके गए थे। विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाता रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर जबरदस्त आंदोलन भी किया था। देखना यह है कि सबरीमाला मसले का फायदा किसको मिलेगा। इसके अलावा एक और तात्कालिक मुद्दा है जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, वो ये है कि राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम की एक रैली के दौरान केरल की जनता को प्रबुद्ध और राजनीतिक रूप से समझदार कहा था, जिसे बीजेपी ने उत्तर भारतीयों का अपमान मानते हुए एक बड़ा मुद्दा बना लिया। अब इस बयान से राहुल गांधी को उत्तर भारत में कोई नुकसान हो ना हो, लेकिन उन्हें केरल में इसका फायदा जरूर मिल सकता है। केरल में राहुल गांधी के इस बयान को राजनीतिक तौर पर एक ध्रुवीकरण की तरह देखा जा सकता है, जिससे राहुल गांधी केरल में एक पोस्टर बॉय की तरह उभर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का मुकाबला लेफ्ट गठबंधन से है, इसीलिए लड़ाई आसान नहीं लगती है। स्पेशल डेस्क।
टोटल न्यूज़।